हाँ जी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? और आज दिन है बुधवार, और आज ढेर सारे काम है वैसे करने के लिए। आज क्योंकि है गणेश चतुर्थी, 31 अगस्त है ना, तो वैसे तो जो गणपति जी की स्थापना है वो तो नहीं की है हम लोगों ने, पहले भी नहीं की है कभी। देखते हैं, आगे बता नहीं सकते क्योंकि यथार्थ को थोड़ा है कि मम्मा हम नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे। इस बार भी बोल रहा था बट फिर मुझे विधि का पूरा पता नहीं था, तो मैंने कहा चलो बच्चा जब कभी पूजा की या इन चीजों में अच्छी चीजों में इंटरेस्ट दिखाए ना, तो कभी भी डायरेक्टली उसको मना नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि गणेश चतुर्थी है, अगर हम स्थापना नहीं कर सकते तो जो हमारे घर में गणपति जी हैं तो उनको हम विशेष स्थान देते हैं, आज उनकी विशेष रूप से पूजा कर लेते हैं, तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा और हमें भी आगे से इस त्योहार की आदत पड़ जाएगी। सभी त्योहार मनाने चाहिए, सभी त्योहार, क्योंकि हर त्योहार कुछ अलग सा ही लेकर आता है, अलग सा माहौल हो जाता है घर का, खुशी नुमा कुछ सेलिब्रेशन जैसा रहता है। और फिर भगवान तो वैसे ही हमारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उनका सबसे ऊपर उन्हीं का रोल होता है, तो मैंने कहा एक अच्छी सी आदत बन जाएगी, बच्चे को भी चलो अच्छा है। अगर वो बोल रहा है, अगर आज मैं कह देती हूँ कि नहीं हम आज स्थापना नहीं कर रहे या कुछ ऐसा बोल देती हूँ, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो बोलेगा ही नहीं, उसका खुद ही मन हट जाएगा। तो अगर बच्चे पूजा पाठ की तरफ चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अंधविश्वासी ना बने, लेकिन पूजा आस्था ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, ये बचपन से ही बनती हैं। अगर बचपन में कहीं थोड़ी बहुत इस चीज में कमी रह जाती है तो फिर रह ही जाती है, काफी प्रॉब्लम आती है फिर। तो इस वजह से हम लोगों ने आज पूजा भी करनी है, ऊपर से आज फरमाइश हुई है कि मम्मा इडली बना दो, तो देखती हूँ फिर इडली बनाऊंगी, तो क्योंकि जो भी उसके लिए तैयारी करूंगी, सांभर वगैरह बनाऊंगी सब कुछ, तो सोचती हूँ कि फिर साथ में दोपहर को फिर मैं वो बना लूंगी, क्या कहते हैं, डोसा बना लूंगी, तो काफी बिजी होने वाली हूँ, इसलिए मैंने मॉर्निंग में कपड़े वगैरह तो सब धुल चुके हैं, तो दिए कल, क्योंकि वीरवार है, वीरवार को नहीं धोते हम लोग कपड़े। तो जी चलते हैं और करते हैं दिन की शुरुआत। आई होप आप लोगों का भी जो है त्योहार या दिन जो है थोड़ा स्पेशल होगा, आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो जी चलते हैं, करते हैं शुरू सबसे पहले किचन से। तो किचन में आ गई हूँ मैं, सबसे पहले सांभर बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। दाल मैं भिगोकर गई थी पहले ही, और इडली का जो था बैटर वो भी बना के गई थी, तो दाल को मैंने चढ़ा लिया है, साथ में जो सब्जियाँ हैं और इमली का जो वो बोलते हैं पल्प वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और बस सिंपल से तरीके से मैं इसे बनाती हूँ। तो मैंने इसमें अपना हल्दी नमक मिर्च वगैरह डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया है। इधर बैटर जो है वो देख रही हूँ मैं, वो भी लगभग तैयार हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर कटोरियाँ यूज़ करूँगी इसके लिए, क्योंकि मैं कुकर में बनाने वाली हूँ और मेरे पास जो सांचा होता है वो नहीं है, तो इस तरीके से सारा बैटर जो है मैं कटोरियों में ही डालकर, और कुकर में मैंने नीचे स्टैंड लगा लिया है और थोड़ा सा पानी जो है वो गर्म कर लिया था इसमें, और फिर चार कटोरियां मैंने इसमें प्लेस कर दी हैं और स्टैंड के ऊपर लगा दी है कटोरियां जो हैं, तो जी ढक के रख दिया है। और इधर जो है अपने सांभर के लिए जो दाल और वेजिटेबल्स रखी थी वो भी सॉफ्ट हो चुकी हैं, विसल आ चुकी थी, तीन आई थी शायद, हाँ, तो ये सॉफ्ट हो चुकी है, मैंने चेक कर लिया इसमें। अब जो है इसमें मैं सांभर मसाला ऐड कर दूंगी, और उसके बाद जो है इसमें फिर तड़का लगाने की तैयारी करेंगे। थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पर तड़का लगाने के लिए तैयारी हो रही है, अपना राई और करी पत्ता, लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी, उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज और जो भी अपने सूखे मसाले मैंने ऐड करने हैं वो ऐड कर दिए हैं, और तड़का बिल्कुल सिंपल सा तड़का जो है इसमें डाल दिया है। सांभर मसाला डालने से ही काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था इसमें, तो काफ़ी टेस्टी सांभर बना था, खुश होके खाया सबने। उसके बाद फिर अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अपना आलू की जो पिट्ठी बनानी थी, क्योंकि दिन में सोच रही हूँ कि डोसा भी बनाऊँगी, तो उसके लिए भी बस साथ साथ में तैयारी कर रही थी मैं। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए थे डोसे में फिल करने के लिए, तो वो भी फिर मैंने साथ साथ अपना उनको भी तड़का लगा लिया, अच्छे तरीके से फ्राई करके रख लिया। इडली बन चुकी थी, वो अब मैंने निकाल ली है, ये देखिए,
और बस इडली सर्व कर दूंगी। चटनी बना ली थी मैंने, और दोनों चटनियों में एक जैसा ही तड़का जाता है, तो वही करी पत्ता और लाल मिर्च वगैरह का, राई का जो होता है, वही तड़का दोनों चटनी में मैंने डाल दिया है, और काफ़ी टेस्टी चटनी बनी थी। दोपहर को मैंने बनाया था डोसा। डोसा की रेसिपी मैंने कई बार पहले शेयर कर रखी है, तो फिर मेरा मन भी नहीं था थकी हुई थी मैं, तो मैंने नहीं शूट किया। तो बस उसके बाद फिर मैंने चौकी लगाई है गणेश जी के लिए, और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन की है। पीछे एक रेड दुपट्टा और बेस जो है नीचे वाइट दुपट्टा लगा के, और वाइट रेड कलर की चौकी उनके लिए लगा कर, और यहाँ पर मैंने उन्हें विराजमान कर दिया है और लाइट लगा दी है पीछे। उसके बाद मैं प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ, जो उनको भोग लगाना है। तो यहाँ पर बेसन, देसी घी में बेसन को फ्राई करके, और बाद में उसमें बूरा मिलाकर, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट से लड्डू बन गए थे। सिर्फ इतना ही मैंने बनाया था कि भगवान जी को भोग लग जाए और हमें, हम सबको भी सिर्फ प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा सा मिल जाए। तो वही मैं कर रही हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा भी ढीला था, पर बाद में जब रख दिया था काफ़ी देर बाद, ये टाइट सा हो गया था। फ्रिज में रख दिए थे थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने, तो ये ठीक हो गए थे। तो जी, इस तरीके से बस अपना पूजा की तैयारी हो चुकी है सारी, और यथार्थ के पापा का वेट कर रहे थे बस हम लोग कि वो आ जाएं, और बस हम लोग फिर कर लेंगे अपनी पूजा। तो सारे जो मिठाई है मैंने इस तरीके से अपना तैयार कर ली है, घर की मिठाई। अब सारी तैयारी हो चुकी थी, तो उसके बाद मैंने अपना पूजा के लिए जो है गणपति जी को हार पहना दिया था। यथार्थ के पापा आए थे, वो उनसे ही मैंने मंगवाया था। और उसके बाद जो भी अपनी श्रद्धा के हिसाब से, जो जिस तरीके से भी मैं कर पाई, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे तरीके से करूं, पर वही है ना कि इंसान है, गलती के पुतले हैं, तो कुछ ना कुछ रह जाता है। बट जितना भी है मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। भगवान जो है ना, भाव के और श्रद्धा के भूखे हैं, तो मैंने अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा की। मम्मा कर रही है सैर अपने रूम में, छत पे भी नहीं। मम्मा अपने कमरे को ही ग्राउंड क्यों बना रखा है? कमरे को ग्राउंड इसलिए बना रखा है भाई, रेनी सीजन है, इस टाइम पर मच्छर बहुत ज्यादा लगते हैं। क्या कर रहे हो? शांति नहीं है? नहीं है। क्यों कर रहे हो ये सब? मम्मा जी क्या बता रहे थे आप? मैं बता तो रही थी, चार्जिंग में लगाने के लिए पूरी टेबल खींच पा रही, बता।
मैं ये बता रही थी कि भाई मौसम जो है ना वो उसका है, मच्छरों का है, ठीक है ना, छत पे मच्छर लगते हैं। और मेरे मुझे डॉक्टर ने बता रखा है कि खाना खाने के बाद 15-20 मिनट पक्का भूनना है, इसलिए मैंने इस कमरे को ही अपना ग्राउंड बना दिया सैर करने की जगह लगा लो, ठीक है। तो वैसे भी हम इस कमरे को हर तरीके से यूज कर रहे हैं, तू स्टडी रूम बनाए बैठा है, पापा डाइनिंग रूम बनाए बैठे हैं, थिएटर रही सी कसर मैंने पूरी कर, थिएटर भी थिएटर देखो। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। बाय। तो गाइस तब तक के लिए बाय।